मंडी नगर निगम में प्रस्तावित पंचायतों के शामिल होने से ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प होगा। मंडी नगर परिषद की अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मंडी नगर परिषद के नगर निगम बनने से इसमें शामिल होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों का अभूतपूर्व विकास होगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम से होने वाले फायदों के बारे में ग्रामीण जनता को जागरूक नहीं किया गया है, जिसके चलते वे नगर निगम में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। इस बार आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच जाकर उन्हें नगर निगम में शामिल होने के लाभ के बारे में जानकारी दी जाएगी और जो भी उनकी शंकाएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। सुमन ठाकुर ने कहा कि प्रस्तावित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए पेयजल स्कीम ऊल नदी के पानी की आपूर्ति 24 घंटे की जाएगी, जिससे पानी की कमी से जूझ रहे ग्रामीण लोगों को पेयजल संकट से निजात मिलेगी। तो वहीं इन क्षेत्रों को सीवरेज से जोड़ने के साथ साथ डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता रहेगी तथा खड्डों नदी नालों में लगे कूड़े के ढेरों से उन्हें निजात भी मिलेगी और आवारा पशुओं की समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम में शामिल होने के बाद गरीब लोगों को गृह निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.85 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1.30 लाख है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निजी शौचालय बनाने के लिए 12,000 की आर्थिक सहायता मिलती है। इसके अलावा सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी किया जाता है। किचन वेस्ट पानी, आपका बाथरूम का पानी, आपकी जो सीवरेज की समस्या है, इससे आप